क्लास 12 आज हम लोग सेविंग फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है। याद आ रहा है बेटा, पिछले क्लास में आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन आप लोगों को बताया गया था। कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम आपको बताया गया था पिछले क्लास में। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटीज सीखना है। ठीक है बेटा, ये पीछे पीछे जो है ना वो क्लास 11 का है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्लास 12 का हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम दो तरह का होता था। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके का होता था बेटा। एक था आपका एवरेज एपीसी, दूसरा था आपका मार्जिनल एमपीसी। एपीसी टोटल से रिलेटेड और एमपीसी चेंज एडिशनल एक्स्ट्रा से रिलेटेड था, है कि नहीं? अच्छा जी, आ जाओ। पहले 5 मिनट पहले हम लोग रिकैप वाला रिकैप करते हैं चीजों को, है ना। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा पिछले क्लास में आपको बताया गया था ना कि कंजम्पशन होता क्या है, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। कंजम्पशन फंक्शन होता है एफ ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और इसको एफ ऑफ वाई में लिखकर अगर हम लोग एफ ऑफ वाई डी लिख दे तो भी कोई इशू नहीं। आ रही बात समझ में? हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कंजम्पशन होता क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डी या एफ ऑफ वाई, बोथ आर सेम ओनली, बट बेसिकली ध्यान में रखना है कि डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। और डिस्पोजेबल इनकम के बारे में क्या बताया गया था बेटा? इनकम माइनस टैक्स पेड, तो वो आपका जो आप खर्च कर सकते हैं वो इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम में बोल रहे थे, है ना। फिर हम लोग एक कंसेप्ट हम लोग देखे थे प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम करके। ये बेटा दो तरीके का था, एक क्या था आपका एपीसी और दूसरा क्या था बेटा एमपीसी। आप अपने टोटल इनकम में कितना आपने कंज्यूम कर लिया, दैट इज एपीसी, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। आपका कंजम्पशन एट दैट कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज एपीसी। और एमपीसी में बोला गया था कि आप अपने एडिशनल, देखो बेटा एडिशनल इनकम में कितना आपने कंज्यूम किया, दैट मीन्स कि एडिशनल कंजम्पशन आउट ऑफ एडिशनल इनकम इज नोन एज व्हाट एमपीसी। एमपीसी को बेटा हम लोग स्मॉल बी से भी डिनोट करते हैं, एमपीसी को हम लोग स्मॉल बी से भी हम लोग डिनोट हम लोग करते हैं, यही बात है ना। एमपीसी को स्मॉल बी से भी हम डिनोट करते हैं। पिछले क्लास में ही तो आपको बताया गया था। उसके बाद से आपको यह बताया गया था, जब ये बात समझ में आपको आ जाती है तो कंजम्पशन का फॉर्मूला बन जाता है सी इज इक्वल सी बार प्लस बी ऑफ वाई। देखो बेटा ये एक फॉर्मूला बन जाता है। तो एक कंसेप्ट तो ये हुआ, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये हुआ। उसमें जो है सो एक कंसेप्ट ये समझ में आता है, एक कंसेप्ट ये समझ में आता है, मतलब कि एक कंसेप्ट ये है, एक कंसेप्ट ये है और एक कंसेप्ट ये है, ठीक है ना। C इज इक्वल टू एफ वाई डी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बेटा दो तरीके का, तो एपीसी एमपीसी टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम एपीसी एमपीसी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और बी कुछ और नहीं बल्कि एमपीसी है, ठीक है ना। इतना बार फिर बेटा हम लोग यहां पर क्या बोले थे एपीसी के बारे में? एपीसी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। एपीसी क्या हो चला जाएगा बेटा? घटता चला जाएगा,
ठीक है ना। दूसरा बात, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। फिर एपीसी का और क्या क्या फीचर्स बताया गया था? एपीसी ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? दिस सेविंग क्या होगा उस केस में? एपीसी ग्रेटर देन वन अगर है तो क्या होगा बेटा? दिस सेविंग्स है, दिस सेविंग्स है। दूसरा, एपीसी इक्वल टू वन अगर है, एपीसी इक्वल टू वन अगर है तो फिर क्या होगा आपका? बीईपी बोल सकते हैं, मतलब जीरो सेविंग। क्या चीज है बेटा? जीरो सेविंग। नेक्स्ट पॉइंट, एपीसी लेस देन वन अगर एक से कम होगा तब क्या होगा बेटा? वो सेविंग्स होगा। ये फीचर्स बताए गए थे आपको किसके? एपीसी के, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हम लोग बात कर रहे थे एमपीसी का, एमपीसी का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, एमपीसी कैन बी जीरो, एमपीसी कैन बी जीरो। दूसरा, एमपीसी वैल्यू या द वैल्यू ऑफ एमपीसी, ऐसे लिखो, द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन या वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। एमपीसी कैन नेवर, ऐसा लिख देते हैं, एमपीसी कैन नेवर एक्सीड वन, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेटा ये आपको बताया गया था किस चीज के बारे में? एमपीसी के बारे में आपको बताया गया था, ठीक है ना। अच्छा तो बेटा हम लोगों की पिछले क्लास में बेसिक्स इतनी बातें की गई थी, आ रहा बात समझ में? दिख रहा है ना सब? पिछले क्लास में बेटा हम लोगों का इतना हम लोगों का बात किया गया था, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये फॉर्मूला अल्टीमेटली आप डिराइव आप कर रहे हैं क्या? निकालने के लिए, कंजम्पशन निकालने के लिए। आज हम लोग क्या करेंगे? सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे, बट किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे सेविंग के लिए। दैट मीन्स कि सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो जी स्टार्ट करें, यहां तक तो रिवाइज हो गया आपका, कोई इश्यू तो नहीं? चलो वेरी गुड। सेविंग फंक्शन, और बेटा सेविंग जो है, सेविंग सेविंग क्या है? तो बेटा ये आपका कंपोनेंट है, किस चीज का? ये है आपका कंपोनेंट का एएस का, दैट मींस कि एग्रीगेट सप्लाई का, है ना। जैसे कि आपका एग्रीगेट डिमांड का दो कंपोनेंट सी और आई, तो सेविंग जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि एग्रीगेट सप्लाई हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला आपको बताया गया था, सी प्लस एस दैट मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू वॉट? एग्रीगेट सप्लाई। उसी तरह अब हम लोगों का स्टार्ट जब होता है कि बताओ बेटा कि सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, तो आप लिखेंगे द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, पहले यहां लिखते हैं हम, सेविंग फंक्शन। बेटा सेविंग फंक्शन क्या होता है? तो आप लिखेंगे द
फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम सेविंग एंड इनकम तो इनकम कौन सा बेटा, ऑब्वियस ही बात है जिस इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग वो कौन सा इनकम है, वो नेशनल इनकम। नेशनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन मतलब कि S इज इक्वल टू F ऑफ, पहले यहां हम लोग पहले एक शेड्यूल पहले हम लोग तैयार करें, लिखिए Y, लिखिए S, C लिखिए S, Y कितना 0, 300, 400 यहां तक सही है ना, आगे भी लिख लेते जगह है 500 ठीक है, इतना में तो आ रहा है समझ में आ रहा है, मैटर समझ में आ रहा है। कंजम्पशन वही चीज बेटा, 40 80 बढ़ा दो, 120 80 बढ़ा दो, 200 80 जोड़ दो, 280 80 जोड़ो, 360 80 जोड़ो, 440 इसमें भी 80 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 520 हो गया। सेविंग आपको पता है, इनकम क्या होता है, अच्छा AS, AS इज इक्वल टू Y, AS क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम में कोई डिफरेंस तो नहीं है, अगर AS इज इक्वल टू C प्लस S होता है तो Y इज इक्वल टू भी क्या होगा C प्लस S ही होगा, तो Y इज इक्वल टू C प्लस S, तो S इज इक्वल टू Y माइनस C, तो 0 माइनस 40 कितना हो गया -40, 100 माइनस 120 कितना हो गया -20, 200 माइनस 200 कितना हो गया 0, 300 माइनस 280 कितना हो गया 20, ये हो गया कितना 40, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 80। तो बेटा ये है आपका क्या चीज, शेड्यूल किस चीज का, कंजम्पशन का और सेविंग का बेसिकली। आ रहा बात समझ में, इस तरह शेड्यूल आपने बना लिया। बेसिकली हम लोग बनाने क्या जा रहे, हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा सेविंग का कर्व, किसका कर्व बनाने जा रहे हैं, सेविंग का हम लोग कर्व बनाएंगे, इसका इसका कर्व हम लोगों को बनाना है हम लोगों को, ठीक है ना। आ जाओ जी, अब देखो सेविंग जो है बेटा शुरू में नेगेटिव में रह रहा, सेविंग क्या है वो नेगेटिव शुरू में रह रहा, तो आप वाई एक्सिस बनाइए, यहां पर एक एक्स एक्सिस बनाइए, ये हो गया वाई 0 और ये हो गया एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत क्या। अच्छा जी अब देखो, अब देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे सेविंग्स, ये क्या चीज है सेविंग्स, और ये क्या चीज है बेटा, ये हम लोगों का है इनकम। तो अब आप देखिए एक चीज कि सेविंग जो है वो यहां से शुरू होगा, कहां से, यहां से मान लो 20 है 40 है, यहां से शुरू हो रहा है सेविंग्स, यहां से। दैट मींस कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना आपका कंजम्पशन पॉजिटिव में होगा उतना ही आपका सेविंग्स होगा, मगर किसमें होगा बेटा नेगेटिव में होगा। आधी बात समझ में, आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा सेविंग होगा, मगर क्या चीज है वो किसमें रहेगा नेगेटिव में रहेगा। इसीलिए यहां से लेकर यहां तक जो आप देख रहे हैं, ये वाली पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये सी बार ही है, क्या चीज है ये आपका सी बार है, लेकिन किसमें है बेटा माइनस में, दैट मींस कि माइनस सी बार है। ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो एरिया देख रहे हैं वाई एक्सिस नेगेटिव वाले में, ये क्या चीज है बेटा आपका कंजम्पशन है, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन है, लेकिन किसमें है नेगेटिव में है, मतलब ये सेविंग ही है आपका, नेगेटिव सेविंग है। अब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि कंजम्पशन आप सारा अमाउंट आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं अपने पुराने कर्ज को खत्म कर रहे हैं। पहले 40 था, 100 रुपए आपने कमाया, 80 आपने कंज्यूम किया, आप बोलेंगे 120 लिखा, बेटा पहले 40 था, ये टोटल कंजम्पशन है, एडिशनल कंजम्पशन कितना है 80 ही तो है आदिवासन में, तो 80 20 रुपए बचा आपने फेंका उधर, तो आपका आपका जो डिस सेविंग्स था वो 40 से घटकर कितना हो गया -20 हो गया। दैट मींस कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग्स भी क्या होगा आपका बढ़ता चला जाएगा।